बच्चों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास नाइन्थ चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हो बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ठीक है बच्चों? मैं हूं विनीत त्यागी और आपका स्वागत है त्यागी क्लासेस में। बच्चों टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं पार्ट वन। पार्ट वन दिया बच्चों, इसको सोल्व करना है। इसमें बच्चों हम आइडेंटिटी आर्ट का यूज करेंगे, सिंपल इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू और इसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों? देखो ये एक्स की जगह क्या है बच्चों 12 है, वाई की जगह क्या है 7 है और जेड की जगह क्या है बच्चों 5। सिंपल इस आइडेंटिटी में रख देंगे सारे क्वेश्चन को और ये सोल्व हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं बच्चों। देखो इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। 3xyz इधर माइनस का है ना बच्चों, तो इसे पूरे को अगर हम इधर ले जाए तो किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये माइनस का 3xyz इधर जाके किसका हो गया बच्चों प्लस का 3xyz ऐसे, ठीक है? अब वही आइडेंटिटी बन गई। देखो सिंपल एक्स वाई जेड की बात थी और इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है बच्चों 12, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस 12। बच्चों वाई की जगह क्या है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। जेड की जगह क्या 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों माइनस 12 का स्क्वायर, वाई की जगह बच्चों 7 का स्क्वायर, जेड की जगह बच्चों 5 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह बच्चों वही माइनस 12, वाई की जगह बच्चों 7 माइनस वाई की जगह 7 और जेड की जगह बच्चों 5 और माइनस जेड की जगह 5 और एक्स की जगह माइनस 12, ये एक्स की जगह 12। इस आइडेंटिटी में सारी वैल्यू इस तरह से पुट कर देंगे, माइनस 12 है एक्स की जगह माइनस 12 रखते हैं। जहां पे माइनस है तो बच्चों माइनस के साथ ही वहां पे वैल्यू को हम रखा जाए, ठीक है? अब देखो बच्चों इन्हें सोल्व करते हैं यहां से यहां तक पूरे, और बाद में क्या बच्चों 3xyz तो प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, एक्स की जगह बच्चों माइनस 12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह बच्चों 5। ये वाला जो 3xyz में इधर से लाए वो भी वैल्यू वहां पे रख देंगे, ठीक है? अब बच्चों देखो 7 और 5 के यहां होते प्लस के 12 हो गए और ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 12 बच्चों 12 से 12 का क्या बचा 0 बचा। तो ये 0 जो आया बच्चों ये 0 आया, इसकी जगह क्या पूरे की 0, ये 0 की बच्चों इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे जब 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें पूरे में, तो बच्चों पूरे को क्या कर देगा सारे को 0 ही कर देगा। बस बचेगा क्या, ये बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 × −12 × 7 × 5, ये बचेगा बच्चों बस। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रही है देखो 12 × 36 − 36 − 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 बच्चों इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरे की 5 × 30 = 0 × 3 = 15 × 3 = 18 आगे बच्चों 3 × 6 = 18 + 8 = 10 0 × 8 = 16 + 6 = 1 = 1 + 2 = 1 बच्चों आया −260 तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, इसकी वैल्यू आ रही है −260, ये इसकी वैल्यू आई है पूरे की, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों ये आंसर आ गया हमारा, ये वेरीफाई करते हैं मैंने इसके बना हुआ। ऐसी सेम इसका पार्ट टू करेंगे बच्चों। तो बच्चों पार्ट टू में क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सेम क्या करना है, एक्स की जगह 28 रखना, वाई की जगह −15 और जेड की जगह −13 रखना, इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों 28, वाई की जगह क्या रखेंगे −15 और जेड की जगह −13। और बच्चों सेम आगे भी ऐसे रखेंगे, एक्स की जगह 28 का स्क्वायर, वाई की जगह −15 का स्क्वायर और जेड की जगह −13 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह बच्चों क्या रखेंगे 28 और वाई की जगह क्या रखेंगे बच्चों −15 और ये सेम ऐसे बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाएंगे −15 × 13। और फिर बच्चों ये वाली वैल्यू है जेड एक्स माइनस जेड, जेड की जगह −13 × एक्स की जगह 28, ये यहां तक। और फिर बच्चों 3xyz + 3, ये यहां तक बंद हो गया, फिर इसके बाद प्लस लगा दे रहा हूं यहाँ पे 3xyz, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3, एक्स की जगह क्या रखना बच्चों में 28
और y की जगह -15 और z की जगह -13। तो बच्चों वही होगा, देखो इन्हें जोड़ने पे क्या 28 माइनस के 15 माइनस के 13 कितने हो गए, माइनस के 28, 28 में से 28 गए कितने बचे, 0। 0 की सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक का जो पोर्शन है बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा ये सारा 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 में क्या ऐड करेंगे, ये 3 × 28 × -15 × -13। अब देखो बच्चों इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये आंसर आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके इसकी देख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब